तो आज के इस वीडियो में आप जान सकते हैं कि आप किस प्रकार से पहले वाला क्रिएट क्लासिक स्टूडियो कैसे ओपन कर सकते हैं। तो जैसे कि दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने अपने मोबाइल के अंदर पहले वाला जो क्रिएट क्लासिक स्टूडियो है वो ओपन किया हुआ है। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको बता लेता हूँ कि आप इसको किस प्रकार से ओपन कर सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो को मैंने काफ़ी मेहनत से बनाया है। और यदि दोस्तों आप इस प्रकार के और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपको आपका जो क्रोम है उसको ओपन कर लेना है। तो चलिए दोस्तों मैं भी अपना जो क्रोम है वो ओपन कर लिया है। और ओपन करने में दोस्तों आपको इसका जो पेज है जिसका नाम है studio.youtube.com, आपको उसके अंदर चले जाना है, जिससे कि आप इस पेज पर आ जाते हैं। इसकी लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके अंदर आने के बाद दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है कि इसको इस प्रकार से जूम करना है। और जूम करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको जो डॉलर का आइकन दिया हुआ है आपको उस पर क्लिक करना है। और उसके बाद में दोस्तों आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको सी मोर का जो ऑप्शन दिया हुआ है आपको उस पर क्लिक करना है। अब इसके बाद में दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है कि सबसे पहले जो ये थ्री डॉट है आपको उस पर क्लिक करना है। और उसके बाद में दोस्तों इसको यहाँ पे डेस्कटॉप साइट पे कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे टिक कर लेना है। और उसके बाद में दोस्तों ये डेस्कटॉप साइट में कन्वर्ट हो जाता है। और उसके बाद दोस्तों आपको इस प्रकार से इसको जूम करना है। और जूम करने के बाद दोस्तों यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है जहाँ पर लिखा है मोनेटाइजेशन सेटिंग फॉर इंडिविजुअल वीडियो, तो आपको जो सेकेंड लिंक है आपको उस पर क्लिक करना है। अब इसके बाद में दोस्तों मैं यहाँ पे आपको बता लूँ कि यदि आपने आपका जो क्रोम है उसको डिफ़ॉल्ट नहीं किया तो सबसे पहले डिफ़ॉल्ट करना है। यदि आपको डिफ़ॉल्ट करना नहीं आता तो इसका वीडियो आपको आई बटन के अंदर मिल जाएगा या फिर इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा, जिससे कि आप अपने क्रोम ब्राउज़र को डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं, जिससे कि ये पेज ऑटोमेटिक ओपन हो जाता है। फिर आप इसको जो क्रिएट क्लासिक स्टूडियो है इसको आप जिस प्रकार से यूज़ करना चाहते हैं इस प्रकार से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये यहाँ पे ओपन हो चुका है। आप जो भी इसके अंदर एडिटिंग करना चाहते हैं या जो भी आप करना चाहते हैं वो यहाँ पे आप कर सकते हैं। तो यदि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और इसे शेयर जरूर करना। थैंक यू।